If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angles. इसको बोलते हैं दोस्तों exterior angle theorem. आइए इसको समझते हैं और इसका प्रूफ करते हैं. दोस्तों exterior angles के प्रूफ से पहले मैं आपको exterior angle theorem समझाता हूँ. यहाँ पे एंगल जो 4 है वो एक्सटीरियर एंगल है. 4 का इंटीरियर एंगल है एंगल 3 और 3 के सामने दो अपोजिट एंगल्स हैं 1 एंड 2. तो थ्योरम क्या कह रही है वो समझते हैं साथ साथ. इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड यानी वो बन गया एंगल 4 इज इक्वल टू यानी वो हो गया इक्वल टू सम ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो दोस्तों 4 का इंटीरियर एंगल 3 है, 3 के सामने है 1 एंड 2, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 होगा. ये हो गया इस थ्योरम का रिजल्ट. इसको प्रूफ कराने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं. बच्चों के मन में एक डाउट और होता है. जैसे मैंने यहां एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, अब मैंने सी बनाया और मैंने बी सी प्रोड्यूस करा तो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल बन गया जैसे 4. बच्चा कह रहा है सर ये भी तो आप प्रोड्यूस कर सकते थे एसी, तो ये एंगल कौन सा होता? दोस्तों ये भी एंगल 4 ही होता क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इस 4 के लिए ये 3 इंटरनल है, इस 4 के लिए भी ये 3 इंटरनल है और एंगल 1 और एंगल 2 इस 3 के अपोजिट एंगल्स हैं. तो ये रिजल्ट इस 4 के लिए भी अप्लाई हो रहा है और ये रिजल्ट इस 4 के लिए अप्लाई हो रहा है. यानी आप कहीं पे भी प्रोड्यूस करो तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा एक साइड को. जैसे कि सपोज आपने यहां एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, तो आपने इसको प्रोड्यूस करा. अब ये जो एंगल बनेगा सपोज यहां बना एंगल 5, ये एंगल 5 इन दोनों एंगल्स के इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7, बट दिस एंगल इज द इंटरनल एंगल फॉर एंगल 5. गॉट इट? ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का रिजल्ट है. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं. अब हम इसको करते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया, अब करेंगे इसका प्रूफ. तो आइए चलिए मेरे साथ. दोस्तों यहां करने वाले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ. सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन में है दोस्तों द साइड क्यू आर of a triangle PQR is produced to S so that angle PRS is formed, which is exterior angle, that is angle 4. And टू प्रूफ आपका है दोस्तों एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू और यू कैन से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. आइए इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है. यहां पर जैसा कि आपको मालूम है क्यू आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एंड हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. तो थर्ड स्टेप में हम इनको इक्वेट कर रहे हैं. एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3 with the help of first and second step. तो हम यहां देख रहे हैं कि एंगल 3 आपका कैंसिल हो गया है, तो हमारा बचा एंगल 4 is equal to angle 1 plus angle 2. एंगल 4 का असली नाम है एंगल पी आर एस, एंगल 1 पी एंड एंगल 2 क्यू. तो दोस्तों ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. कई बच्चे यहां बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो गलत हो जाएगा. आई होप दोस्तों आपने हमारी प्लेलिस्ट थ्योरम्स की देखी होगी. आप गूगल पे डाल सकते हैं थ्योरम्स
एविटी आप सर्च कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको कर लीजिए। सपोर्ट दिस चैनल एविटी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।